फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। आप लोग का जो इंतज़ार था एनएम का जो एग्ज़ाम, एनएम बिहार में जो एनएम का वैकेंसी आया हुआ था 10709, उससे रिगार्डिंग जो आप लोग को जानकारी चाहिए थी कि इसका एग्ज़ाम कब से होगा, इसका डेट कब से होगा, तो उसका इंतज़ार आप लोग का ख़त्म हो गया है। ये देखिए, आज का ही ये एक सूचना पत्रांक जो है सो BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है बिहार सरकार के। तो इसका अवश्य सूचना में देखिए क्या दिया गया है। विज्ञापन संख्या 7/2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के कुल 10709 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 7/2022 की परीक्षा दिनांक 5/1/2024, मतलब 5 जनवरी 2024 को, उसके बाद 11 जनवरी 2024 एवं 12/1/2024, मतलब 12 जनवरी 2024 को बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 3 पालियों में संभावित है। मतलब कि ये जो है सो एग्ज़ाम कब होगा, तो 3 पाली में लिया जाएगा। कब कब? तो 5 तारीख को होगा और 11 जनवरी को होगा और 12 जनवरी को 2024 में, नेक्स्ट मंथ। तो अब जो है सो बस एक महीना ही बचा है अभी से। तो नेक्स्ट क्या है, उक्त से संबंधित आवश्यक सूचना या एडमिट कार्ड आदि आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihar.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि आयोग के वेबसाइट पर सतत अनुसरण करते रहेंगे। तो देखिए, आप लोग का जो है सो जितने भी ANM का फॉर्म भरे थे BTSC का बिहार में, वो सबके लिए क्या है, बहुत ही खुशखबरी है कि डेट आ गया है और जल्द से आप लोग का क्या होगा, एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द होगा। तो फरवरी मार्च अप्रैल तक में आप लोग का होगा, तो बहाली भी किया जा सकता है। तो वो आगे का बात है, पहले तो आप लोग को एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम के लिए हम भी जो है सो पूरे कोशिश कर रहे हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। और आप लोग का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, फिर से बता रहे हैं कब कब है। तो 5 जनवरी 2024 को पहला, दूसरा 11 जनवरी 2024 को और तीसरा 12 जनवरी 2024 को, मतलब 3 पाली में है। तो एग्ज़ाम तो किसी को एक ही दिन देना है, मतलब 3 दिन डेट निर्धारित किया गया है, 3 दिन 3 डेट में 3 पाली में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो थैंक यू।